वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज कंदीगल गेट के पास में और खादरी चमन भी यहाँ पर बिल्कुल करीब है। आज मैं अंगूर का कलेक्शन बतलाने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ के ओनर से हम सारी डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अबरार है। अबरार भाई कहाँ पर लोकेटेड है? भैया बिल्कुल चंदनगुट्टी के पास जो कंदीगल गेट ब्रिज है ना, उसी के पास गली में बाजू में। कुछ लैंडमार्क लोकेशन यहाँ पर? बाहर फंक्शन हॉल पर। बाहर फंक्शन हॉल है जी। बाहर फंक्शन हॉल एक बाबा नगर पे भी है? नहीं नहीं, चंद्रन गुट्टा बाहर फंक्शन हॉल। चंद्रन गुट्टा बाहर फंक्शन हॉल है कंदीगल गेट के पास। ओके, और कंदीगल गेट के ब्रिज के पास भी अगर कोई आए तो भी पिक कर लेंगे ना? जी हाँ, पिक कर लेंगे। ठीक है, देखिए काफ़ी शौक से यहाँ पर जानवर रखे हुए हैं, यानी सभी खिदमत में है, बच्चे वगैरह भी, और कलेक्शन प्योर अंगोल का है। तो आप लोग जो भी रिक्वायरमेंट हो आ सकते हैं, यहाँ पर आके देख के ले सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पर कंटिन्यू हम करेंगे इससे। ये कितने दांत पे होंगे? चार दांत का है। चार दांत पे है। क्या रख रहे हैं भाई इसका आसिंग प्राइस आप? भैया इसका 125 है भैया। 1,25,000 नेगोशिएबल रहेगा? जी हाँ नेगोशिएबल रहेगा। ओके, प्राइस कम हो जाएंगे, देखिए नेगोशिएबल है। और एक चीज़ की अपडेट में मार्केट में भी बताया था आप लोगों को, जाके मार्केट लेकर आ सकते हैं आप, लेकिन फिर भी कभी कभी घर आते आते घर चला जाता, तो एहतियात ज़रूरी है। इस वजह से जो नियरेस्ट एरिया है वहाँ से आप लोग देखेंगे तो सारे कलेक्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, जो भी ब्रिड चाहिए, क्योंकि सीज़न का टाइम है। अंगुल, गिर, दियोनी, हर एरिया वाइज हर किसी के पास अलग अलग जानवर है। तो प्योर क्वालिटी का अंगुल कलेक्शन यहाँ पर है, देखिए 1,25,000 इसका आस्किंग प्राइस है, इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा आपके पास। ये वाला 4 से 6 दांत पे रहेगा? जी हाँ भैया 4 से 6 दांत। और नक्कर वगैरह एकदम खड़ी है इसकी, हम देखिए आप बिल्कुल साफ है, और इसका भी साइज़ बड़ा है। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका आस्किंग प्राइस 120 है। 1,20,000। और प्राइसेस सभी में नेगोशिएबल है ना? जी हाँ सभी में नेगोशिएबल। ओके, और इसके बाद में यहाँ पर दो और है आपके पास। ये वाला कितने दांत पे है जो राइट में है? 2 से 4 दांत पे रहेगा? 4 दांत पे है। और ये दोनों भी मस्ती कर रहे हैं, देखे ये 6 दांत पे रहेगा लेफ्ट वाला? 4 से 6 दांत के आसपास। 4 से 6 पे रहेगा, यानी एज कम रहती देखे अंगोल की, लेकिन साइजेस बहुत अच्छे होते हैं इनके, और यानी बोल्ड कंडीशन होती है इनकी, तैयारी वगैरह अच्छी होती है। कोई अगर लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आके परचेस कर सकते हैं यहाँ पर। इसका क्या प्राइस है जो राइट में है? इसका 120। 1,20,000। और इसमें भी नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल। और ये वाला? इसका 1,10,000। 1,10,000 है आस्किंग, 110 है, और ये कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद में आपके पास है ये वाला एक, और ये कितने दांत पे है? 4 से 6 दांत पे, और काफ़ी हाइटेड है देखिए, हम पगर अच्छा है इनका, जो नक्कर है एकदम बड़ी, झालर अच्छी है। ये क्या प्राइस में है भैया? 1,30,000। 1,30,000। 1,30,000। और इसमें भी इंशाल्लाह नेगोशिएबल हो जाएंगे। एक और है आपके पास ये वाला, देखिए इतने बड़े बुल्स होने के बावजूद भी काफ़ी फ्रेंडली है, यानी बच्चे भी अगर पकड़ के ठहरे तो यानी मार रहे हैं कर रहे नहीं, आप पलटाइए इसको, हाइट भी काफ़ी है इसकी। ये कितने दांत पे होंगे भैया? ये 4 दांत से 4 से 6 के बीच में है। 4 से 6 के बीच में है। एक अंदाज़ा लाइव वेट क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है आपको इसका? इसका लाइव वेट, क्योंकि स्ट्रक्चर का आइडिया हो सकता लोगों को, 700 kg प्लस रहेगा? 700 प्लस रहेगा जी। और क्या प्राइस है इसका आस्किंग भैया? इसका आस्किंग प्राइस 1,20,000। 1,20,000 आस्किंग प्राइस है इंशाल्लाह, ये भी नेगोशिएबल हो जाएंगे। और भी कुछ है आपके पास? ये भी तो कुछ नहीं है फिलवक्त, यही है जी। तो ठीक है, आइए आप लोग आके देख के लीजिए, सभी की कंडीशन एकदम बॉन्ड है, देखिए सब एकदम तैयार बुल है यहाँ पर, बल्कि कोई भी इसके अंदर बैल नहीं है, सारे पाड़े हैं और एकदम सेट है। इसी तरह मैं और बहुत सारे अपडेट्स बतलाऊंगा आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।